दोस्तों, क्या ध्रुव राठी झूठ बोल रहा है जिसके द्वारा लोगों द्वारा उसे मजाक बनाया जा रहा है। आजकल ऐसी तमाम वीडियो ध्रुव राठी की आ रही है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, कुछ को अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे भी अच्छा लगता है, मैं इसको वीडियो हमेशा देखता रहता हूँ। तो क्या अपने वीडियो के सहारे बताना चाहता है कि लोग कैसे बुरा बने या लोग कैसे अच्छा बने? वो किसी भी पार्टी जैसे कि बीजेपी का ज़्यादा विरोध करता है, क्या विरोध करना मेरा अधिकार नहीं है? हालांकि आर्टिकल 19 में अधिकार भी है कि मैं विरोध कर सकता हूं किसी भी का, लेकिन मैं किसी को मार कर काट कर ऐसा विरोध नहीं कर सकता हूं। तो ध्रुव राठी अपने वीडियो में बताना चाहता है कि आपको कैसे रहना चाहिए, आपको कितना समझदार होना चाहिए, बस वही बताना चाहता है। लेकिन ध्रुव राठी अपने वीडियो में फैक्ट्स सारे बताना चाहता है कि आपको कितना नॉलेज होना चाहिए, आपको कैसे रहना चाहिए, क्योंकि झूठी खबरें भी आपको आपके दिमाग को ब्रेन वॉश कर सकती है। ध्रुव राठी अपने वीडियो में किसी प्रकार की झूठी यानी भ्रामक बातों को नहीं फैलाता है, न ही झूठी खबरों को दिखाता है, न ही आपको ऐसे न्यूज़ या न वीडियो या न प्रमोट करता है, कोई भी वस्तु नहीं प्रमोट करता जो आपके लिए फ़ायदेमंद न हो या सेहतमंद न हो या आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाए। तो इस तरह से वीडियो अपने ध्रुव राठी बनाते हैं, और ध्रुव राठी अपने वीडियो में कुछ ऐसे प्रचारक भी करते हैं जो अन्य प्रचारक भी नहीं, अन्य वीडियो या यूट्यूबर नहीं करते हैं। जैसे कि कई यूट्यूबर होते हैं पैसों के लालच के लिए बेटिंग ऐप, गैम्बलिंग ऐप ऐसे चलाते हैं, लेकिन ध्रुव राठी ने आज तक अपने करियर में किसी भी प्रकार के एक भी कहीं भी ऐसा प्रचार नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं ध्रुव राठी हमारे लिए कितना कर रहे हैं। हालांकि हम उनको तब तक सही मानते रहेंगे जब तक उन्होंने ध्रुव राठी सही काम कर रहे हैं, क्योंकि यही ज़िंदगी में यही चलता रहता है कि लोग जब तक सही करते हैं तब तक उनको सही माना जाता है, और झूठ बोलते हैं तो लोग उनका सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन क्या करें, सपोर्टर तो सपोर्टर होते हैं। हालांकि मैं सपोर्ट करता हूं सही का। नमस्कार, आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।